चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने आपके एंगल्स हो गए, प्रिंसिपल वैल्यूज होगी, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने वो सारा का सारा कवर अप कर लिया था। अब आज हम लोगों ने क्या कवर अप करना है उसके लिए एरियल साइंटिफिक फॉर्मूला है जो कि पहले आप रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। आपने डबल एंगल पढ़ा था साइन टू थीटा, फॉर्मूला नोट कर लेना, ये होता है आपका टू साइन थीटा कॉस थीटा। sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta cos 2 theta, this is equal to cos square theta minus sin square theta, other formula cos square theta minus 1, third formula 1 minus 2 sin square theta। so cos 2 theta ke hamare paas teen formulas hote hain। cos 2 theta ke liye आपके पास क्या है, तीन फॉर्मूलाज है cos 2 थीटा के लिए, तीन फॉर्मूला, ठीक है। फर्दर tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज है जो आज की क्लास में आप सभी बच्चों के यूज होंगे। स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी निकालिए, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, यहां पे आपको बोल रहा है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एग्जांपल नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपको प्रूफ करना है किसके इक्वल, 2 साइन इनवर्स x के। आपको ये पूरा का पूरा 2 साइन इनवर्स x के इक्वल प्रूफ करना है। यहां पर रख लेते हैं इसको 2 साइन इनवर्स x। करें कैसे भाई इसको, इस वाले पार्ट को यही लाना पड़ेगा, एल्स नहीं तो मैं लेफ्ट से ये राइट साइड पे नहीं ला सकता, मैं उल्टा लिखूंगा। करें कैसे, इस वाले पार्ट को अगर हम देखें, ये आपके पास है साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह लेट करेंगे, कुछ ना कुछ x को हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। x की हम वैल्यू यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 2, x की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट स्टेप सभी लोग क्लियर है, यहां पे x को साइन थीटा लेट कर लो, 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा पे अगर रूट रहेगा तो उस केस में यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, चैट बॉक्स का यूज करिए बेटा, यूज योर चैट बॉक्स। यहां तक क्लियर है, किसी का कोई डाउट ये वाले स्टेप तक, हमने यहाँ पे x को sin थीटा लेट करा है, x की जगह sin थीटा बट रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर इज cos स्क्वायर, cos स्क्वायर पे रूट डालेंगे तो cos थीटा, तो दिस इज 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला किसका होता है बेटा, sin 2 थीटा का, तो sin इनवर्स से sin कैंसिल, फाइनल आंसर आपके पास आ गया बेटा 2 थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू कहां से निकालें, यहां से x इक्वल टू साइन थीटा है, साइन को अगर मैं लेफ्ट पे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x यहां पे सब्स्टिट्यूट करो और ये आपके पास आंसर आ गया। यही आपको प्रूफ करना था लेफ्ट साइड, क्लियर है, नोट करके चैट बॉक्स पे डन नोट करिए बेटा।
नोट करके चैट बॉक्स पर डाल। आरव आई होप दिस इज क्लियर नाउ। आरव एंड प्रद्युमन ग्रेट ओके वेरी गुड। नोट करिए इसको डन। अब इसी क्वेश्चन का अगर हम साधिका संचित सेकंड पार्ट देखें एग्जैक्टली सेम एलएचएस है बट आरएचएस जो है वो चेंज हो गया है। आरएचएस आपके पास आ गया है कॉस इनवर्स एक्स। अब नेक्स्ट हमें जो करना है उसमें क्या करना है कॉस इनवर्स। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे इसी क्वेश्चन में मैं चेंजेस कर रहा हूं। तो जो मैंने पहले एक्स को साइन थीटा लिया था अब मैं इसको साइन को हटा के हम यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे कॉस थीटा लेट कर लेंगे। ये हमारे हर क्वेश्चन की स्पेसिफिक फॉर्म है क्योंकि ये टू साइन थीटा कॉस थीटा ये टू कॉस थीटा साइन थीटा फॉर्म करेगा बार बार जिससे यहाँ पे थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करिए तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। This cos theta remain as it is. 1 minus cos square, 1 minus cos square, sin square, sin square का root करोगे. This is again sin theta. बन गई दोबारा से form 2 sin theta cos theta, जो कि आपका हो जाएगा sin 2 theta. Sin inverse is sin cancel 2 theta. और theta की जगह अब आपकी value change कर देगी that is cos inverse x. I hope this is clear to each and everyone. नोट करिए नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। नोट करो बेटा इसको। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है इस क्वेश्चन यही है लेफ्ट साइड पे आपके पास टू कॉस इनवर्स एक्स है बट यहाँ पे साइन इनवर्स नहीं है यहाँ पे आपके पास क्या आ गया बच्चे कॉस इनवर्स आ गया। अब करो सर अब कैसे लेकर आऊ मैं अब मैं कैसे शिफ्ट करूं और अगर ये चेंज हो गया एलएचएस अभी हटा देते हैं ये वाला पार्ट। अगर अब क्वेश्चन चेंज हो गए cos इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर आ जाए तो फिर क्या करोगे मेरे को फॉर्म याद रखनी है कि 2x 1 माइनस x स्क्वायर की जब भी फॉर्म आ रही है उस केस में मैं x को sin थीटा या cos थीटा सब्स्टिट्यूट करता हूं। अब क्योंकि यहाँ पे cos inverse है और एंड में हमेशा sin 2 थीटा बच रहा है तो सब क्या करूंगा तो देखो सॉल्व करते हैं इसको cos inverse के हिसाब से क्योंकि cos inverse है सबसे पहले दिमाग में आएगा सर cos थीटा पुट कर दो तो x को cos थीटा पुट कर देते हैं आगे वाला सारा पार्ट चेंज कर देता हूं ये हो जाएगा cos inverse sin 2 थीटा। बट अब एक बात बताओ क्या मैं अब cos inverse को sin से कैंसिल कर सकता हूं क्या मैं cos inverse को sin 2 थीटा से कैंसिल कर सकता हूं चैट बॉक्स में यूज करो। प्रीत सिंह जीवा करतार परनी नहीं कर सकते अब तो मैं क्या करूं भाई आंसर तो निकालना ही है मैं 10th स्टैंडर्ड पर यूटिलाइज करेंगे 10th स्टैंडर्ड में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था कॉस 90 माइनस थीटा और यहां पे हो जाएगा कॉस इनवर्स तो ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल ये आ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा 90 माइनस 2 थीटा और थीटा के बाद यहां पे कितनी है कॉस इनवर्स एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो तो पाई बाय 2 माइनस 2 cos inverse x. Is this clear to everyone? सभी को समझ आ गया? 10th standard का sin theta that is cos 90 minus theta. Cos inverse x cos cancel. Pi by 2 minus 2 theta. Theta की value substitute कर दो. Note करके chat box पे डाल. Note करिए. Note करके chat box पे डाल. In the same way. मैं यहाँ पे x की जगह sin थीटा भी ले सकता था और यहाँ पे फाइनल आंसर में 2 cos inverse x की जगह यहाँ पे 2 sin inverse x आ जाएगा
पाई बाय टू माइनस टू साइन इनवर्स एक्स। नोट करिए, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। यहाँ पे हम लोगों को, मैंने क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिया था, बट आपको जब एग्जाम में दिया होगा तो प्रूफ करने के लिए होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि एंड में अगर आपका कॉस इनवर्स आ रहा है तो कॉस लोगे, यहाँ पे साइन इनवर्स आ रहा होगा तो यहाँ पे आप साइन लेट कर लेंगे। समझ आ गया सबको? नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स, नोट करके डन। प्रीत साधिका पद्मी, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अनंत सिंह, कुछ समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर फोर अभी नहीं करना, फाइव भी, यस फाइव को भी अभी कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फाइव, इसमें कोई भी हमारा फॉर्मूला नया यूज हो रहा है, इलेवन स्टैंड कहीं यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, दिस टैन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स। एग्जाम्पल नंबर फोर, सॉरी फाइव, टैन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स। एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इसका उल्टा भी हो सकता है, वन माइनस साइन ऊपर और कॉस नीचे, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, बाहर टैन की जगह कॉट भी हो सकता है, तो एक ही क्वेश्चन को अलग वेरिएशंस का अपने आप चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हो। डिनोमिनेटर में माइनस की जगह प्लस, जो एंगल है उसको रेसिप्रोकल करके भी यूज कर सकते हो, वन माइनस साइन अपॉन कॉस, वन प्लस साइन अपॉन कॉस। चार क्वेश्चन तो ये हो गए, फिर हर एक क्वेश्चन के बाहर में टैन इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स लगा के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, आपने बड़ा यहाँ पे पढ़ा था cos 2 थीटा दिस इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, एंगल आना अलग है। अब यहाँ पे ऑलरेडी एंगल x है, अगर यहाँ x होता तो यहाँ पे क्या आएगा x by 2, और यहाँ पे भी क्या आएगा x by 2, तो हाफ एंगल फॉर्मूला कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा दिस इज tan इनवर्स cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय sin x, sin x में फॉर्मूला लगाएंगे sin 2 थीटा, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, आधा एंगल हो जाता है, तो यहां पे sin x है तो 2 sin x by 2 cos x by 2, ये हो जाएगा आपके पास 2 sin x by 2 मल्टीप्लाइड बाय cos x by 2, बट स्टार्टिंग में वन है, इस वन का क्या करूं, नाइन टेन स्टैंडर्ड में फॉर्मूला बड़ा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेम हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, वन को रिप्लेस करके आप यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, और यहाँ पे माइनस एज इट इज। समझ आ गया सबको? इज दिस क्लियर? क्लियर है सभी को? समझ आ गया? तो लर्न कर सकते हैं आप डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या कि वन माइनस साइन एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस का फॉर्म आ जाएगा। अब ये बन गया क्या, न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की अगर फॉर्म है तो हमारे पास क्या बन जाएगी, दिस इज a प्लस b cos x प्लस sin x by 2 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, and in the denominator
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है, जो कि क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको मैं यहाँ लिख लूंगा बच्चे कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर. क्लियर है? इज दिस क्लियर? पहले हमने ब्रेक करा, बुक में डायरेक्टली गिवन है, तो जब तक ब्रेक नहीं करोगे तो पता ही चलेगा कि फॉर्मूलास बने कहां से हैं. अब cos x by 2 minus sin x by 2, cos x by 2 minus sin x by 2 का होल स्क्वायर है, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास यहां पे आएगा बेटा tan इनवर्स cos x by 2 plus sin x by 2 divided by cos x by 2 माइनस साइन एक्स बाय टू. लेकिन सर बाहर टेन है, अंदर साइन और कॉस है, तो कन्वर्ट कैसे करें? आपको अब इसके बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंगल का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड करना है. कॉस एक्स बाय टू से जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा वन, ये बन जाएगा टेन एक्स बाय टू, डिनोमिनेटर में वन माइनस टेन एक्स बाय टू. क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया सबको? पहले स्टेप पे कॉस एक्स में कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगाया, वन को लगाया साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, साइन एक्स को लिखा टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू. न्यूमरेटर में एंगल मिले, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म थी ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ पे साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर की जगह मैंने कॉस माइनस साइन लिखा, तो न्यूमरेटर उसी फॉर्म में था. कैंसिल करने का इस फॉर्म पे आए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द एंगल में कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड करा, जिससे टेन इनवर्स वन प्लस टेन एक्स बाय टू वन माइनस टेन एक्स बाय टू. ये तो अभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी भी आपका टेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम. वन वन क्या होता है? टैन 45. वन जो होता है ये होता है हमारा टैन 45 दैट इज टैन पाई बाय 4 प्लस टैन दिस इज एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये जो टैन एक्स बाय 2 है इसको टैन एक्स बाय 2 इनटू 1 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा टैन पाई बाय 4 इनटू टैन x by 2, जो कि हमारी फॉर्म बन गई. कौन सी? tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y. ये फॉर्मूला किसका है? tan x plus y का. 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला बन गया. This is tan inverse tan x plus y. tan inverse से tan cancel और फाइनल आंसर आएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2. सभी को समझ आ गया? जीवा ग्रुप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके चैट बॉक्स में डन. सेम एज इट इज रिपीट होगा स्कूल के अंदर. सर डिटरमिनेंट्स का, हाँ बच्चे डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस का टेस्ट कंबाइंड टेस्ट भी होगा आप लोगों का, नीड नॉट वरी, कंबाइंड टेस्ट होगा एक हफ्ते में. नेक्स्ट जो टेस्ट है आपका वही होगा विद जो हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हैं, नीड नॉट वरी, वो कंपाइल्ड है सारे के सारे टेस्ट. नोट करके डन, नोट करके डन बेटा. वेट, परफेक्ट है. अब ये सेम क्वेश्चन जो है आपके पास डिनोमिनेटर में मैंने कहा था प्लस आ सकता है, तो मैं इसको यहां प्लस कर रहा हूं. अब दोबारा से अलग क्वेश्चन है, नोट करना है सबने. और अभी क्लास वर्क ना अभी अपलोड भी करना है, देखते हैं जितने लोग काम लिखते हैं कौन नहीं लिख रहा.
फिर डिनोमिनेटर में प्लस है, न्यूमरेटर सेम आएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा, जिसकी वजह से जो मैंने यहाँ पे कैंसिल करा था cos square cos x by 2 plus sin x by 2 whole square था, तो इस बार ये वाला हमारा कैंसिल, जिससे माइनस वाली फॉर्म आपके पास बच जाएगी और डिनोमिनेटर बच जाएगा आपके पास cos x by 2 plus sin x by 2। इसके बाद cos x by 2 से डिवाइड करा, सारे साइंस हमारे चेंज हो जाएंगे, 1 को रिप्लेस करेंगे tan 5 by 4 minus tan x by 2, 1 plus tan 5 by 4 into tan x by 2। अब जो फॉर्म बन गई ये आपकी फॉर्म बन गई है tan x minus y, जिससे फाइनल आंसर 5 by 4 minus x by 2। क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? नोट करो इसको, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, नोट करिए इसको। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि सभी को समझ आ गया, tan x minus tan y upon 1 plus tan x tan y tan x minus y, अगर ऊपर प्लस होता है तो वहां पे भी एंगल में प्लस हो जाएगा, जो कि tan x plus y का फॉर्मूला बन जाएगा। करिए बच्चे इसको, फर्दर इसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अब चेंज है, अब चेंज क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉट भी हो सकता है, डज नॉट मैटर, अगर स्टार्टिंग में कॉट इनवर्स आ जाएगा हर जगह, तो यहाँ तक तो कॉट इनवर्स आ जाएगा, यहाँ तक पूरा स्टेप सेम आएगा, एंड में क्या करोगे, एंगल चेंज करोगे, एंगल चेंज कैसे करोगे, टैन थीटा, ये जो थीटा है टैन थीटा को कैसे लिखूंगा मैं, कॉट 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दोगे आप, जैसे आपने पीछे कॉस में कन्वर्ट कर दो कॉस और साइन में, सिमिलरली वो आप कर लोगे, तो आपका जो होमवर्क है, आपका जो होमवर्क है वो आपने क्या करना है, ये tan inverse cos upon 1 plus sin of 1 minus sin मैंने करवा दिया, सेम आप किससे करोगे, cot inverse से करोगे। फर्दर आपको एंगल चेंज करके भी सॉल्व करना है, एंगल चेंज मतलब जो एंगल से उनको रेसिप्रोकल करके, 1 minus sin x upon cos x, फिर ऐसे ही यहाँ पे माइनस की जगह प्लस को भी एक बार लेके सॉल्व करना है, सेम में cot inverse लेकर 1 minus plus sin x upon में cos x, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो दो मैंने करवा दिए थे, छह आपके अब होमवर्क के लिए हो गए हैं, ये छह आपके होमवर्क के हो जाएंगे बेटा, जो कि आपको कल रात तक ऐप पे ही सबमिट करने हैं, देयर विल बी नो लेट सबमिशन, 10 बजे के बाद मैसेज पहुंच जाएगा एज यूजुअल कि आपके बच्चे ने काम नहीं करा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, ये देखो ये हमने कर लिया, यहाँ पे दूसरी फॉर्म गिवन है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 6 में, आपको कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है cot inverse, एग्जांपल नंबर 6 cot inverse 1 upon square root of x square minus 1, x square minus 1, तो अब ये कैसे करोगे, अब भार आपके पास क्या है cot inverse, भार यहाँ पे हमारे पास है cot inverse, तो मतलब अंदर भी क्या बनना चाहिए, cot बनना चाहिए, तभी cot inverse और cot cancel, बट यहाँ पे 1 upon की फॉर्म में है, कोई बात नहीं, cot किसके में होता है 1 upon tan, तो यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे ये tan बन जाए, और 1 upon tan क्या हो जाएगा cot, तो cot inverse और cot दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे x की जगह हम लोग secant पुट कर देंगे, let x is equal to secant theta, वैल्यू वाले सॉल्व करो, दिस इज cot inverse 1 upon
स्क्वायर रूट ऑफ secant स्क्वायर थीटा माइनस वन, और secant स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना हो जाएगा tan थीटा, तो दिस इज cot इनवर्स वन अपॉन secant स्क्वायर माइनस वन इज tan स्क्वायर, tan स्क्वायर में रूट डलेगा तो ये हो जाएगा वन बाय tan होता है cot, cot इनवर्स से cot कैंसिल तो आपका बचेगा थीटा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी secant इनवर्स x, secant इनवर्स x क्लियर। टेन की आइडेंटिटीज भी लिख देता हूं, दिस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, secant स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व करके डन द चैट बॉक्स। सर पेपर करके पूछ गए थे एग्जाम में आया क्यों, क्योंकि देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है उसी से हमने अलग अलग फॉर्म बना लिया है, सर ये वाली बुक पढ़ लू वो बुक पढ़ लू, बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हो गया सबका बराबर करो यार, अलग अलग करें दिशा कुछ समझ आ रहा है गुरसिमर कौर, सना ने वीडियो देखी थी फिर सना ये लास्ट टाइम वीडियो में कवर हो रखा था सारा, सेकंड पार्ट में कवर था ये, ओके वेरी गुड दिशा एंड गुरसिमर। अब बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने यहाँ पे cot इनवर्स की जगह बाहर आपके पास tan इनवर्स भी तो हो सकता है, यस tan इनवर्स भी हो सकता है। अब tan इनवर्स होगा तो क्या करूं, नो मैटर tan इनवर्स है तो tan चाहिए, tan चाहिए तो क्या चाहिए वन अपॉन cot चाहिए, तो नीचे cot चाहिए, नीचे cot चाहिए तो क्या करोगे x की जगह को secant थीटा पुट कर दोगे, x की जगह cosecant थीटा पुट कर दो तो ये हो जाएगा cosecant स्क्वायर माइनस 1, cosecant स्क्वायर माइनस 1 ये आपका बन जाएगा cot थीटा, बाहर की तरफ वाला हमारा tan इनवर्स है, दिस इज आवर tan इनवर्स 1 अपॉन cot थीटा, tan इनवर्स 1 अपॉन cot इज tan थीटा जो कि आपके पास आएगा थीटा, और यहां से थीटा के वैल्यू निकालोगे तो आएगी cosecant इनवर्स x, तो ये हमारे पास आपकी फाइनल आंसर जो है यहां पे बन जाएगा cosecant इनवर्स x। क्लियर टू ऑल, नोट करिए बेटा, नोट करके डन, मैथ्स इज इजी। हाँ अच्छे नोट करके डन, वेरी जीवा डन, प्रीत डन, प्रीत क्वेश्चन कर रहा है ऐसे वैसे ही चैट बॉक्स पे डन डन, अभी देखते हैं क्लास के बाद अटैच करने के लिए बोलूंगा, देखते हैं अभी देख। लेकिन सर लेकिन इन क्वेश्चंस में सर मैं अगर भूल गया कि tan इनवर्स है तो यहां पे tan चाहिए वन अपॉन cot बनाना है तो क्या करूं, मैं x को c
सीकेंट कोसीकेंट की जगह अगर मैं सीकेंट थीटा पुट कर देता हूं तो क्या होगा, तब मैं कैसे कर पाऊंगा? सर ये हमने ये टाइप वाले क्वेश्चन में सिंपलीफाई करना, यस हमने सिंपलीफाई करना होता है, तो अगर मैं यहाँ पे कोसीकेंट की जगह सीकेंट कर दूंगा तो क्या होगा? नो प्रॉब्लम, एक्स की जगह सीकेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करते रहो, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे बन जाएगा बेटा टैन थीटा और वन अपॉन टैन हो जाएगा बच्चे कॉट थीटा। अब क्या करूं, अब फिर फंस गया मैं, सर ये टैन और कॉट दोनों कटते नहीं है। नो प्रॉब्लम, नहीं कटते, 10th स्टैंडर्ड में कॉट थीटा पढ़ा था आपने, एंगल जहां पे चेंज करते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उनका हम लोग यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर लेंगे। तो कॉट थीटा टैन 90 माइनस थीटा, टैन इनवर्स है टैन कैंसिल, पाई बाय 2 माइनस थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू सीकेंट इनवर्स x, सीकेंट इनवर्स x, क्लियर है? वेरी गुड जीवा, नोट करो इसको। बट जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इवैल्यूएट तो ऐसे ही करना है, लेकिन जब क्वेश्चन में आ गया प्रूव तब ये गलती नहीं कर सकते आप, समझा की बात? तब आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, उस टाइम पे ये सब आप नहीं कर सकते चेंजेस। डन, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। आगे देखें और कौन सा क्वेश्चन करवाएं आज आपको, आज के लिए मेरे को लगता है इतने क्वेश्चंस बहुत है, हर एक टाइप के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स चेंज करके। अब आपने ऐसे ही भार कॉट इनवर्स टैन इनवर्स इन सभी को कर लेना। आज का काम आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही है कि जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं क्लास में इनको दो बार रिपीट करना है, प्लस पीछे जो क्वेश्चन था टैन इनवर्स 1 plus sin x upon cos x 1 minus sin x upon, जो 6 फॉर्म मैंने आपको बनवाई थी वो 6 क्वेश्चंस, एंड जितने क्लास में आप क्वेश्चंस करे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी को दो बार रिपीट करने हैं। समझ आ गया सबको? इतना काम सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। संडे है, एंजॉय करो, लेकिन एंजॉय तभी कर पाओगे अगर कल शाम को 6 बजे तक ऐप पे सारा काम अटैच कर दोगे, मेरा संडे खराब हो जाएगा 7 बजे। कल शाम 6 बजे तक ऐप पे सबमिट कर देना बेटा सब लोग काम अपना।